वेलकम बैक। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की तरफ से एक बैड अपडेट आ रही है कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ने अपने जो क्रेडिट कार्ड हैं उनके बेनिफिट्स में कुछ डिवेल्यूएशन किया है। सभी क्रेडिट कार्डों पर नहीं किया है, बट कुछ क्रेडिट कार्डों पर उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको डिवेल्यू किया है। सबसे ज़्यादा जो डिवेल्यू किया है वो एक्सिस बैंक का मेघना क्रेडिट कार्ड है, जिसके बेनिफिट्स बहुत कम कर दिए हैं। जहाँ आपको वैल्यू बैक मिलता था 30% तक का, वो घटकर 7.5% तक का आ गया है। एक्सिस बैंक के मेघना क्रेडिट कार्ड पर जो बेनिफिट्स डिवेल किए गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स कम कर दिए गए हैं। इस कार्ड पर वेलकम बेनिफिट के रूप में आपको टाटा क्लिक का 10,000 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर दिया जाता था। अब 12 अगस्त 2023 के बाद इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लक्स गिफ्ट वाउचर, पोस्ट कार्ड होटल का गिफ्ट वाउचर या फिर आप यात्रा का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी एक गिफ्ट वाउचर ले पाएंगे। और जो रिन्यूअल बेनिफिट के रूप में भी आपको 10,000 रुपये का टाटा क्लिक गिफ्ट वाउचर मिलता था, अब ये गिफ्ट वाउचर आपको नहीं मिलेगा। रिवार्ड पॉइंट और एज पॉइंटों की अगर बात की जाए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से एक महीने के भीतर 1,00,000 रुपये स्पेंड कर देते थे तो आपको 25,000 एज पॉइंट मिलते थे, ठीक है। उसमें आपके किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता था, चाहे वो यूटिलिटी हो या गवर्नमेंट साइट पर स्पेंड किया हुआ ट्रांजैक्शन हो। बट अब आपको यूटिलिटी ट्रांजैक्शन और गवर्नमेंट साइट पर किए हुए ट्रांजैक्शन पर आपको किसी भी तरीके के रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन 1,00,000 रुपये का जो माइलस्टोन है उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। 12 अगस्त 2023 के बाद आप एक महीने में 2,00,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर ही ट्रैवल एज पॉइंट अर्न कर सकते हैं। पहले इस पर कोई लिमिट नहीं थी कि कितने का भी आप ट्रांजैक्शन करो उस पर आपको ट्रैवल एज पॉइंट मिलते थे, बट अब आपको 2,00,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर ही ट्रैवल एज पॉइंट मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड पर जो आप एज पॉइंट अर्न करते थे उनकी जो वैल्यू है वो कम कर दी गई है। पहले 5 एज पॉइंटों की वैल्यू 4 एयर माइल्स या 4 पॉइंटों के बराबर होती थी, बट अब 5 एज पॉइंटों की वैल्यू 1 एयर माइल्स या फिर 1 पॉइंट के बराबर कर दी है। कहीं कहीं तो आपके 10 एज पॉइंटों की वैल्यू भी 1 रुपये के बराबर कर दी। 12 अगस्त 2023 से पहले इस क्रेडिट कार्ड का जो वैल्यू बैक था वो 30% तक का था, और अब इसका जो वैल्यू बैक है 1/4 रह गया है, मतलब 7.5% तक का ही वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड पर रह गया है। इतनी बुरी तरीके से इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं उनका डिवेल्यूएशन किया है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो एज पॉइंट मिलते हैं उनको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एयर माइल्स में, तो 1 साल के भीतर 5,00,000 एज पॉइंटों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और 12 अगस्त 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच में भी आप केवल 5,00,000 एज पॉइंटों को रिडीम करा सकते हैं। ट्रैवल पार्टनर पर आप एक लॉयल प्रोग्राम आईडी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरी आईडी लॉगिन करेंगे तो पुरानी वाली आईडी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। आप 60 दिन के बाद ही दूसरी आईडी वहां पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप जिन लॉन्ज एक्सेस पे मिलेगी उनमें भी कुछ चेंजेज किए हैं। टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की तरह ही एक्सिस बैंक के मैग्ना क्रेडिट कार्ड को भी बिल्कुल डिवेल्प कर दिया गया है, इसके बेनिफिट्स बिल्कुल कम कर दिए गए हैं। 12 अगस्त 2023 से पहले ये बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड था, बहुत अच्छा वैल्यू बैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा था, बट 12 अगस्त 2023 के बाद ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।